नमस्कार, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना टॉप भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का अपना टॉप भारत में। और आज हम मौजूद हैं तिरबा ओम साई ट्रेंडिंग कंपनी में। और आज ये तिरबा में क्या आलू का भाव रहा है, सफ़ेद आलू का क्या भाव रहा है और लाल आलू का क्या भाव रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जो डेट है वो 30 जनवरी है और 30 जनवरी का आज जो शाम का यहाँ मंडी भाव यहाँ शाम को ही लगती है, आप सभी को किसान भाइयों को पता है। तो क्या आज यहाँ पैकेट के हिसाब से आलू बिकता है, किस रेट का आलू बिका है और मंडी टॉप आलू कितने रेट में बिका है, उसके बारे में यहाँ से यहाँ के जो व्यापारी हैं यहाँ के 8 लोगों से बात करके हम आपको रूबरू कराते हैं। तो क्या नाम भैया आपका? शर्मन सिंह राजपूत। अच्छा सर, ये आलू रखा है, कौन सा आलू है? ये आलू कंचन है। कंचन आलू तो सर इसकी बिक्री हो गई क्या? इसकी बिक्री हो गई 350 रुपये पैकेट। 350 रुपये पैकेट। ये लाट लगी है। अच्छा। कम भर्ती का आलू है, इसमें एक आध चेचक भी है। अच्छा। और आलू तो बेचा है 59 पैकेट की लाट एक अंदर रखी है, वो 381 रुपये। ये आलू था, ये कितने पैकेट का लाट था? ये था ये 89 कट्टे का लाट। 89 कट्टे का। ये आलू लाल आलू का रेट 350, मतलब ये आलू 350। हाँ 350 का बिचा, मगर आलू तो 400 रुपये तक का बिच रहा है। आज 400 तक है। अच्छा, जो थोड़ा जो अच्छा आलू है, अच्छी भर्ती है, उसका आलू अलग रेट है, 400 रुपये तक का है। अच्छा, आलू का जो उसकी अपडेट हम बाद में पूछेंगे। और ये सर सफेद आलू जो हम ये सफेद आलू बिचा है 191 रुपये पैकेट। 191 रुपये पैकेट। हाँ, बिक गया ये भी? ये भी बिक गया है। अच्छा, ये कितनी लाट थी सर? ये लाट थी 45 पैकेट की लाट, ये लगी हुई है। अच्छा अच्छा, तो आज बिक्री थोड़ी जल्दी होगी, मतलब मंडी बिक्री क्या जल्दी? आज कस्टमर ज्यादा था, आज व्यापारी ज्यादा था, जल्दी जल्दी में उन्होंने अपनी गाड़ी बना ली, गाड़ी पूरी बन गई। हाँ, आलू बिक गया, आलू बिक गया सारे ट्रेंडिंग। तो कितना आज यहाँ से कितनी पूरे तिरवा मंडी से कितनी गाड़ियाँ बन जाएंगी? तिरवा मंडी से ज्यादा 15 गाड़ियाँ बनेगी आज। आज 15 बन जाएंगी बस। अच्छा, तो सर ज्यादातर बिक्रियाँ हो ही चुकी होंगी मेरे ख्याल से, लगभग करके 80% आलू बिक गया है। जो आलू आ गया मंडी वो बिक गया, जो आ रहा है वो बिकेगा अभी। अच्छा अच्छा, जो आ रहा है वो बिकेगा। तो सर आवक आज ज्यादा हुई है आलू की, मतलब? हाँ आलू ज्यादा आवक तो नहीं, लास्ट है। हाँ जितना आ रहा है, हाँ कल से आज ज्यादा आवक, कल से आज ज्यादा है। अच्छा सर, तो अब मैं अपडेट ये पता करना चाहता हूँ कि जो सफ़ेद आलू का जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो कम क्वालिटी से और हाई कम क्वालिटी के 150 रुपये तक, हाई क्वालिटी है 270 रुपये तक। 270 रुपये तक जी। अच्छा, लाल आलू का स्टार्टिंग? लाल आलू है 250 से लगा के 400 रुपये तक हाईएस्ट। अच्छा, लाल आलू 450 नहीं, 450 तक कोई आलू नहीं, 400 रुपये तक हाईएस्ट आलू है। हाईएस्ट बढ़िया आलू, बढ़िया आलू और भरती 60 किलो की, 58 किलो की। अच्छा अच्छा सर, क्या लगता है कि जो अपने आसपास में सर बारिश आरिश के कारण में सर क्या नुकसान हुआ है अपने? बारिश से तो नुकसान ही, बारिश की वजह से आलू जो छोटा रह गया बेल खत्म हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो सर ये अपने इलाके में सर कई प्रकार के मुझे, मतलब जैसे सूत्रों के मुताबिक पता लगा है कि रोग उत्पन्न हो गया, रोग, हाँ झुलसा रोग लगा, झुलसा रोग की वजह से ही ये बेल खत्म हो गई, आलू बड़ा ही नहीं है। तो सर किसान क्या पूरे दिन होने के बावजूद आलू खोद रहा है या फिर अभी अभी? नहीं, अब तो लगभग पूरे दिन के ही खोद रहे हैं। अच्छा, पूरे दिन हो चुके हैं या किसी की जब बेल खत्म हो गई तो वो सोच रहा चलो और कुछ फसल बो देंगे उसमें। अच्छा अच्छा, इसलिए जो है वो अपना खोद रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये सर जो आलू का सर मंडी, मतलब यहाँ भी कितने दिन तक और भी आलू आता रहेगा? यार समथिंग 10 दिन, अभी 10 दिन तक और चलेगा, लगभग 10 दिन, 10 दिन चलेगा बस। तो जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि आज जो लाल आलू का भाव रहा है, लाल आलू का हम रेट अगर बात करें तो 350 और 300 से स्टार्टिंग प्राइस है इसकी। जो कम थोड़ा क्वालिटी का आलू है लाल आलू का, वो 300 से स्टार्ट प्राइस हुआ और 400 मंडी टॉप आलू बिका है जो 400 रुपये में। और पीछे आप आलू देख पा रहे होंगे, लाल आलू जी है ये 350 रुपये कट्टा के हिसाब से बिक गया है। और ये सफ़ेद वाले आलू भैया कितने बिका है? 191 रुपये में जो मीडियम साइज़ का आलू सफ़ेद वाला है उसका 191 रुपये पैकेट बिका है। और ये 300 रुपये कितना तक गया है? ये 281 रुपये तक हाईएस्ट आलू, 281 रुपये सफ़ेद आलू का, जो अच्छा जो बेटर आलू है, बढ़िया अगर पीली मिट्टी का आलू है तो वो गया है 281-285 रुपये तक, इतना इसका प्राइस रहा है। धन्यवाद।